नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। Fine, thank you. Time for your medicine. Nein, nein, pehla joke oh, pehla. Yeah. Yes, tell me. वो दिनियार है ना, उसका भाई नेविन जब वो डेथ बेड पर था, उसने अपना बेटा को बुलाया, उसको बोला मैं तेरे को कुछ देने का है, और अपना गन निकाला। तो बेटा बहुत डिसअपॉइंट हो गया, बोला पापा मेरे को तुम्हारा गन नहीं चाहिए, तुम्हारा रोलेक्स घड़ी दे दो। तो बाप क्या बोला, मैं मर जाएगा तू मेरा बिजनेस संभालेगा, इतना काम करके घर पे थका हारा आएगा और बिस्तर पर अपना बीवी को दूसरा मर्द के साथ देखेगा, तो तू क्या उसको गन मारेगा या अपना रोलेक्स घड़ी दिखा के बोलेगा सर तुम्हारा टाइम हो गया है। चलो चलो कम ऑन क्विकली। थैंक यू, वेलकम। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर योर मेडिसिन मिसेस वालिया। मैं दवाई नहीं लूंगी। व्हाई? आई सेड नो। ओ, इसका भी इलाज है मेरे पास। टीना, टिन कोक। व्हाट आर यू डूइंग? मैम ने मना किया था। अरे छोड़ यार, कुछ नहीं होगा। आपकी दवाई। थैंक यू। ये बात हुई ना? कम ऑन बॉटम्स अप, बॉटम्स अप। अरे गिरेगी, मरेगी। छोड़ यार, कुछ नहीं होता। थैंक यू। पर चल कम ऑन। सोनम? हाँ मिस्टर शर्मा। ओ शिट यार, नॉट अगेन। You, I'll handle it. Mr. Sharma, good morning. हो गया? फिर से हो गया? चलो, come on, Mr. Sharma. चलो, इनको लेके जाओ, मैं आती हूँ. Good boy.
I'm sorry, Dad. Doctors कह रहे थे कि it can happen anytime. आज, कल, परसों, anytime. डैड, मैं ऑफिस में फोन करके अपने टिकट्स कैंसिल करवा देती हूँ. और बेटा, तुम दो बार पहले ही अपनी छुट्टी एक्सटेंड करवा चुकी हो. इन दिनों अमेरिका में जिस रफ्तार से लोगों की नौकरियां जा रही, वो तो तुम जानती ही हो. देखो बेटा, अब यहां जो होना है वो तो होना ही है. अब तुम अपनी टिकट कैंसिल मत करो, आज तुम्हारी फ्लाइट है. तुम्हें 3 घंटे पहले पहुंचना चाहिए ना एयरपोर्ट. तुम तैयारी करो. पर पापा. बेटा, अब यहां जो भी होगा मैं उसे संभाल लूंगा. ये क्या है बेटा? ये 2 ओपन टिकट्स हैं न्यूयॉर्क के लिए. आपका जब भी मन करे आप वहां जाना. बेटा, मैं वहां कर क्या करूंगा? मेरा तो जो कुछ भी था वो अब तुम एक काम करो, ये टिकट तुम अपने पास ही रखो. जब भी आना होगा टिकट का बंदोबस्त मैं कर लूंगा. अब तुम जाने की तैयारी करो. मुझे पता है डैड, बट प्लीज डैड, मुझसे प्रॉमिस कीजिए डैड, आप मुझसे मिलने न्यूयॉर्क जरूर आएंगे. Promise me, please. Okay, beta. Hello? Yes? Yeah, Sonam Chopra? Yeah, I had applied for employment visa, yeah, correct? Really? हाँ जी, मंडे. हाँ, मैं अपॉइंटमेंट के लिए पहुंच जाऊंगी. या रेफरेंसेस, हॉस्पिटल रेफरेंसेस जी, सब लेके आ जाऊंगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सोनम, टीना, क्या हुआ? बोलना, लंदन से रेड क्रॉस का फोन आ गया. वाओ, मंडे को वीजा कॉल है. And no formalities. I'm so happy. Wow. तूने कर दिखाया. अब तो तू लंदन में रह रही है ना? अब किसी और के बंगले में पीजी बनके तो नहीं रहना पड़ेगा ना? तो आज रात को पार्टी, वीकेंड भी है. तू और पार्टी. What do you drink that orange juice? और क्या खाती है वो? तेरी फेवरेट डिश यार, पनीर पकोड़ा. That only. तू क्या पार्टी करेगी बेवकूफ? चल छोड़ ना. अगर तेरा बर्थ गुज्जू फैमिली में हुआ होता तो तुझे पता चलता. ढोकला के सिवा सब कुछ लग्जरी है. एनीवेज, फाइनली मंडे को इस नर्क से और इस चुड़ैल से छुट्टी मिलेगी मुझे. गॉड, पर मंडे को छुट्टी मिलेगी? आई मीन, अपनी चुड़ैल तुझे कुछ ज्यादा ही पसंद करती है. वो तो है. एक्चुअली यू नो, बचपन में ज्यादा उसे प्यार नहीं मिला ना, इसलिए मैं जाऊंगी तो तेरी ले लेगी. व्हाट डू यू से? ओह माय गॉड,
मॉर्निंग मैम। आज तो काफी जॉली मूड लग रहा है तुम्हारा। मैम वो सारे पेशेंट्स की दवाई हो गई है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तुम हो तो फिर सारी चीजें अंडर कंट्रोल तो होंगी ना। मैम वो मेरा एक्चुअली लंदन रेड क्रॉस सोसाइटी से फोन आया मैम, आई हैव बीन सिलेक्टेड। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। मंडे को वीजा का कॉल है, सो आई वाज वंडरिंग अगर डे ऑफ मिल जाता तो। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। लेकिन तुम्हें कल आना पड़ेगा, ओल्डीज भी बहुत खुश होंगे तुम्हें संडे आफ्टरनून में देखकर। मैम कल तो संडे है मैम। क्यों, अकेले आने में दिल नहीं लगता है? अच्छा ऐसा करते हैं कि टीना को भी बुला लेते हैं, ये होगी तो तुम दोनों को बात करने का टाइम भी मिल जाएगा, राइट? और अगर तुम सुबह जल्दी आ जाओगी तो मैं तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर भी दे दूंगी, लेकिन 8 बजे आ जाना। मैम वो लेटर आज मिल जाता तो मैम इट वुड हैव बीन रियली ग्रेट। कम ऑन सोनम, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, राइट ही ना? या तुम्हारे लिए तो एक स्पेशल रिकमेंडेशन लेटर लिखना पड़ेगा। गिव मी सम टाइम टू थिंक स्वीटी, राइट? या मैम। ओके मैम, सी यू टुमारो गर्ल्स। रिसेप्शन पे फॉर्म भर दीजिए। Good night, madam. Good night. साहब जी, वो रही आपकी गाड़ी। Where's your car, babes? Don't call me babes. Understand? Sorry, baby doll. I'll kill you. Please do that. But not here. Tumhare ghar pe. Tum pahuncho. Main aata hoon. Stay focused. Come. Fine. Oi. Huh? Mujhe drive karne de. क्यों? हाँ, क्योंकि तूने ड्रिंक किया है। तूने नहीं ड्रिंक किया क्या? ऑरेंज जूस भी तो ड्रिंक ही करते हैं ना। लेकिन सोनू, आजकल पुलिस ड्रंकन ड्राइविंग के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है।
सीधे 2 दिन के लिए जेल में डाल देते हैं। मेरी जान, कुछ नहीं होगा, अंडरस्टैंड? और तू भी तो है ना मेरे साथ, चल कम। लेकिन सोनू, मूव मैन। ओके, याद है ना कल भी आना है 8 बजे? हाँ यार, याद है। बट एनीवेज, तेरा तो ये लास्ट वीक है। बस बस यही साइड में रोकते, मैं यही उतरती हूँ। गॉड, तू यहाँ पे क्रेस कर सकती है वैसे? Are you sure? हाँ। एक बार सोच ले। Don't be stupid. मेरा घर तो तेरे लिए always welcome. लेकिन सोंगी कहाँ पे? मेरे हॉल में सोफा कम बेड है ना? और रात को जब सेट आएगा, तो तेरे सोफा कम बेड पे, तेरे पेरेंट्स को कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? हाँ? ओह माय गॉड, सिड भी आ रहा है। मेरी माँ, तू जा। यू गाइस आर वाइल्ड। ठीक है तू जा और मुझे जाने दे। ओके बीच। पर हाँ, वीजा इंटरव्यू के दिन डीप नेक वाला टी शर्ट जरूर पहनना। हाँ, इतना चलेगा ना? चलेगा। चल बाय बाय बाय। क्या? You are the third number. है? अरे? Myself, गौरंग, प्रजापति, गोविंद सिद्धि विनायक, डेकेट फुट। हाँ तो जा आप चाहिए? नो सर, आई प्रॉमिस सिद्धि विनायक। एवरी वीक 6 लोगों को प्रे लेके जाता हूँ सर। एनी प्रेयर सर? आप हर हफ्ते जाते हैं? यस, एवरी वीक एवरी सैटरडे फॉर माय कुरियर बिजनेस। भगवान ने मुझे ब्लेसिंग किया है सर। 6 लोगों का प्रे लेके जाता हूँ। एंड यू आर नंबर 3rd सर। हेलो सर, एनी प्रेयर सर? मेरा आप कोई प्रेयर नहीं है सर। एनी लाइक बेटे के लिए समथिंग फॉर योर वाइफ, प्रे समथिंग। मेरी वाइफ तो अब खुद भगवान की बहुत करीब हो गई, उसको जो मांगना होगा वो खुद ही मांग लेगी। और वैसे भी वो चुप रहने वालों में से तो कभी थी नहीं। आई एम सो सॉरी सर, बट गॉड इज ग्रेट सर। कोई एनी रिलेटिव सर? प्रॉपर्टी, होटल, फ्लैट रेट लिए कुछ ऐसा कुछ तुम्हें कुछ चाहिए? मेरी बेटी है, वो जहां भी रहे बहुत खुश रहे। डन सर। गणपति बप्पा मौर्या। Babes. Hi, Sid. Don't call me babes, yeah. मुझे भूख लगी, कुछ खाने के लिए लेके आ। मुझे खा लेना, मैं आ तो रहा हूँ। Shut up, Sid. Please, Sid, stop this nonsense. जल्दी कुछ खाने के लिए लेके आ, okay, please. Babes.
Hello? Babes, I can't hear you. Shit. धंधे की कसम साहब, आज बिल्कुल पैसा नहीं है। ए, ए, मेरे को येड़ा समझ के रखा सब, सब। येड़ा समझ के रखा है क्या साहब? देखो आदमी गाड़ी में अटका हुआ है साहब। अच्छा, तो तेरा बाप गाड़ी चला रहा है? माँ कसम साहब, आप देखो वो गाड़ी गई, उसमें आदमी अटका हुआ है साहब। ए चमेली, तेरे को क्या लगता है मैं आज ही सुबह पैदा हो गया क्या? कसम से, कसम से मेरा टाइम वेस्ट मत कर, चल पैसा निकाल, पैसा निकाल चल। किधर से लाया इसको? बोला ना, चार कोप में सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। चार कोप? चल अपना पूरा नाम और पता बता। देखिए श्रीमान, आप पहले इनका इलाज शुरू करवाइए। और मेरा नाम पता क्यों चाहिए आपको? क्या है ना बाबा, मांगता है। अभी कल को इंक्वायरी होएगा तो तेरे को पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा ना। आजकल पुलिस ड्रंकन ड्राइविंग के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। देखिए मैं सिर्फ इंसानियत के नाते इस आदमी की मदद कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं, समझे? मालूम है रे, अच्छा काम कर रहा है तू, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अपना ड्यूटी है ना, करना पड़ता है। अच्छा चल अपना ऑफिस का पता बता। किसी पुलिस के पंखे में मत पड़ना, ये वीजा इंटरव्यू वाले ना
वार्डन से भी ज्यादा बीच होते हैं। तेरे ऑफिस आके चाय पी लेंगे, तेरी जद का कोई बखेड़ा थोड़ी हो जाएगा। शायद आप लोगों के इसी बिहेवियर की वजह से ना एक आम आदमी किसी की मदद करते हुए डरता है आज। क्या मैडम, क्या मांगता है? वो पेट्रोल खत्म हो गया था गाड़ी में, आसपास पेट्रोल पंप है। अच्छा पेट्रोल, हाँ चलो। वो नहीं, चलो 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 चलो, आओ 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 मैडम आओ। सर मैं ढूंढ लूंगी, थैंक यू सो मच। अरे मैडम काय को टेंशन लेता है, इधर से सीधा जाने का और 1.5 किलोमीटर बाद राइट टर्न लेने का, पेट्रोल पंप मिलेगा, खूब पेट्रोल भरवाना। थैंक यू। मेंशन नॉट। थैंक यू। वेलकम मैडम। हेलो बेबी डॉल, इतनी देर तक दरवाजा नहीं खोला, अंदर कोई और है क्या? किसके साथ बिजी हो गई? बेबी, व्हाट हैपेंड? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? हिल रोड पे मुझसे एक्सीडेंट। ओह गॉड, ओह शिट, व्हाट इज दिस? बेबी, ब्लड, तुम्हें लगी क्या? कहाँ लगी दिखाओ, कहाँ, किधर लगा? नहीं लगी, लेकिन उस आदमी को पुलिस इंक्वायरी होगी, परसों मेरा वीजा कब कॉल है, पुलिस को कुछ पता चल गया। ठीक है डीजी, आई डू समथिंग, आई जस्ट डू समथिंग फॉर यू, जस्ट रिलैक्स, आई जस्ट, मेरे साथ है बेबी, व्हाई बेबी, कॉल इट, जस्ट टेक इट इजी, ये पी लो, कम ऑन ये पी लो, यू नीड दिस, ठंडे दिमाग से सोचते हैं, गो ऑन, या गुड गर्ल, नाउ टेल मी कब हुआ, कैसे हुआ, किससे हुआ? आदमी रास्ता क्रॉस कर रहा था और उसको मेरी गाड़ी से लग गया। ओके, एक आदमी रास्ता क्रॉस कर रहा था, तुम्हारी गाड़ी के नीचे आ गया और मर गया? पता नहीं। तुझे किसी ने देखा, कोई था वहाँ पे? तूने किसी को कुछ बताया? Then relax and just chill यार, रोना बंद कर, there is no problem. जब तूने किसी को कुछ बताया नहीं, किसी ने कुछ देखा नहीं, तो what is the problem? मेरा वीजा कब कॉल? What is the problem? ये रोड पे चलने वाले सोने वाले हर दिन मरते हैं यार, हाँ? किसका कसूर होता है? कभी कोई बड़े बाप का बेटा उनके ऊपर से गाड़ी लेके गुजर जाता है, तो कभी कोई स्टार टल्ली होकर उनको मार डालता है, है ना? कुछ होता है? कुछ नहीं, just chill यार। लेकिन सिर्फ कल मेरे वीजा का कॉल है, पुलिस इंक्वायरी होगी, वेरिफिकेशन होगी और उन्हें पता चलेगा तो पुलिस क्या मेरी? Stop joking. I am not joking, baby. I am serious. Look at me. Come on. Listen to me. See.
परसों मेरा एक क्लाइंट मेरे सामने ड्रग्स के ओवरडोज से मर गया। तुम्हें पता चला? किसी को पता चला? So just relax, baby. Relax. वो आदमी कार में। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। You just need to take this. Take it. Yeah. Calm down, calm down, calm down. Look at me, look at me. Come on. Just relax. Yeah. Yeah, it's working. Look at me. साफ हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। शालीनता से बात डाल दी और इंटरव्यू बीच में ही। तक उस फ्लू के दो केसेस दर्ज किए गए हैं। उन दोनों व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती किया गया है जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। शाम बीएमडब्ल्यू में गुलछर्रे उड़ाते एक अमीरजादे ने एक 5 साल के छोटे बच्चे को कुचल दिया। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर नशे की हालत में कार चला रहा था। उसने भारी मात्रा में ड्रग्स ले रखी थी। फिलहाल वो पुलिस की हिरासत में है और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुंबई से रेवती शर्मा, लाइव न्यूज इंडिया। बीएसटी की हड़ताल की वजह से आम जनता हुई फिर से परेशान। बीएसटी के कर्मचारियों का कहना है जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी हड़ताल जारी रहेगी। आइए आपको लेकर चलते हैं मुंबई की सड़कों पर। गुड मॉर्निंग सोनम। मॉर्निंग मिस्टर सेठी। तुम हमेशा मेरा नाम भूल जाती हो और शायद जानबूझकर भूल जाती हो। एनीवे, ये इतनी हड़बड़ाहट में सुबह सुबह पेपर में क्या ढूंढ रही हो? तुम्हें पता है कल रात को टाउन में क्या हुआ? शाहरुख और आमिर खान दोनों एक डिनर पार्टी में मिले, दोनों में दुश्मनी। अरे आपका कुत्ता। हाँ, कुत्ता नहीं, रैम्बो। देखिए मुझे अंदर से सख्त नफरत है। आपका कुत्ता कहाँ जा रहा है? रैम्बो, कम कम कम, रैम्बो कम कम कम। बहुत ही क्यूरियस है। सोनम, इफ यू डोंट माइंड एक बात बोलूं, सुबह सुबह यू लुक टू गुड। थैंक यू। सोनम बाय। रैम्बो आजा, चल तुझे ही टहलाता हूँ। कम 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 रैम्बो। Thank you.
मुझे बचाओ। छोड़ो मेरा हाथ। प्लीज हेल्प मी, मुझे बचाओ। अभी अकेले क्यों होती हूँ, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। जी मैडम, किधर जाना है? सिल्वर रिट्रीट। क्या इतनी सामने जाने के लिए आपने टैक्सी बुला ली मैडम? चार घंटे लाइन में लगने के बाद नंबर आता है और आप लोग बस फोन उठा और कैब बुला ली। शट अप, गाड़ी चलाओ। हाथ धोती है, एक तो सुबह सुबह सारा दिन खराब कर दिया, ऊपर से गालियां दो अंग्रेजी में। हाथ धोती है यार, पता नहीं ये लोग कितने। इतना बड़ा बंगला है मैडम, आपने गड्डी नहीं रखी? लिसन, माइंड योर ओन बिजनेस ओके? मैंने बोला ना गाड़ी चलाओ। लो फिर सवेरे सवेरे अंग्रेजी। हाँ जी मैडम, चल रहे हैं। आपने कौन सा चांद पे जाना है? 10 मिनट का तो रास्ता है। वाहिगुरु तेरा शुक्र है दाता, तेरा शुक्र है शुक्र। मैडम ये हॉर्न की आवाज़ तो आपके गैराज से ही आ रही है। वो मेरी गाड़ी खराब है। हाँ तो बताओ ना मैडम, मैं ठीक ठाक। नहीं तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी देख के आती हूँ, स्टे हियर। फिर करो आप पे सानू की ऐसी क्या ठीक कर ले ना, मदद कर रहे हो ऊपर से, आकड़ देखो लोगों की। मेरी मदद करो। I promise. अब भी डॉक्टर को लेके आती हूँ। I'll just get help. I promise. Stop honking. Must please stop honking. Thank you.
करती थी कि तुम मेरी कार के सामने आ गए कल रात को। मैंने कहा क्या आ रही हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तुम इतनी देर आई नहीं तो मैंने सोचा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैं आ रही हूँ, जाओ। मैंने बोला ना जाओ यहाँ से। चलो पहले अंदर चलिए। हाँ अरे मेरा जोक तो मैं सुनूंगी आपका जोक। चलिए आप तो मेरा आधा क्या सुने बगैर चले। कहाँ है तू? सुबह 8 बजे आना था। वॉरेन आ गई क्या? आ गई? सुबह से 3 बार पूछ चुकी है तेरे बारे में। चल मैं उसे हैंडल कर लूंगी। अच्छा अच्छा सुन ना, आज शाम को आई नीड योर कार। कार? व्हाई? वो भावन है ना मेरा कजन, आज वो मुझे ड्राइविंग सिखाएगा। टीना मेरी कार खराब है, मैं खुद टैक्सी में आई हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको बोल दूंगी तो गैरेज में मैकेनिक को ले जाएगा। पर टीना शाम को वापस भी कर देगा। I said ना, I can't give you the damn car, don't you get it? Good morning, ma'am. Good morning, sweetie. I'm sorry, I'm late, ma'am. It's okay. मेरी गाड़ी खराब हो गई थी मैम। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैम कैब भी बहुत मुश्किल से मिली मैम, दैट्स व्हाई आई एम लेट। ओह गॉड, तुमने नाश्ता भी किया? नो मैम, टाइम नहीं था कुछ। आई एम सो सॉरी। ऐसा करते हैं, नाश्ता करते हैं। क्या लोगी? चाय, कॉफी, जूस, मिल्कशेक? मैम मेरे साथ सच्ची में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई मैम, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया मैम, एंड इट्स वेरी बैडली बैश्ड अप। ओह गॉड, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच्ची में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और कैब भी बहुत मुश्किल से मिली मैम, इसीलिए मैं लेट हो गई मैम। ओके ओके, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू। थैंक यू मैम। सोनम, तुम्हारे रिकमेंडेशन लेटर में मैं क्या लिखूं? जी क्या मैं ये लिखूं कि सोनम चोपड़ा एक रिस्पॉन्सिबल लड़की नहीं है? सॉरी मैम बट सी स्वीटी, आई एम वेरी श्योर कि रेड क्रॉस में अगर कोई लेट आता है या नहीं आता है तो कम से कम वो एक फोन करके बताता है कि आई एम नॉट गोइंग टू बी कमिंग इन टुडे और आई एम गोइंग टू बी लेट, डोंट यू थिंक? फोन? हाँ फोन, कम से कम तुम एक कॉल तो कर सकती थी ना। तुम्हारा प्यारा MMS क्लिप वाला फोन कहाँ है? वो
मुझे बचाओ। अभी अकेले क्या करती हूँ? We appreciate your call. Currently, all our operators are busy. मैडम ये हॉर्न की आवाज तो आपके घर से ही आ रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुन तो सही। अरे मेरा जॉब, मेरा जॉब। I said ना, I can't give you the damn car. See, sweetie, I'm very sure कि Red Cross में अगर कोई लेट आता है या नहीं आता है तो कम से कम वो एक फोन करके बताता है कि I'm not going to be coming in today और I'm going to be late. Don't you think? अरे आ आ आ बाकी का जोक तो सुन पता है क्या हुआ? 3 दिन बाद वो वापस राम जी के पास गया. बोला 3 दिन से आ रहा हूँ, मेरी बीवी कहाँ है? तो राम जी ने कहा बगल में हनुमान जी के पास जाओ, उसने मेरी भी बीवी ढूंढ ली थी. अरे मेरा जोक तो सुनती जाओ, सुनो. ओए ये देख 6 साल का बच्चा सिक्का खा गया. आजकल के बच्चे भी बड़े समझदार होते हैं. इनको मालूम है ना कि बड़े होने के बाद दुनिया उनका पैसा खा जाएगी, इसलिए बचपन में ही अपने हिस्से का खा रहा है साला. क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा यार. उस लड़की के गैराज में कुछ तो गड़बड़ है. उसके चेहरे में भी डर साफ नजर आ रहा था यार. छोड़ना यार, काय को उसके पंगे में घुस रहा है तू? लेकिन यार वो बैट, उसमें खून था यार. वो बैट के ऊपर तेरा खून था क्या? नहीं ना, तो फिर क्यों इतना टेंशन ले रहा है तू? छोड़ फालतू की बातों में, अपने आप को किधर मत घुसा, फालतू के पंगे मत ले, मान ले मेरी बात. पीसीओ से पुलिस को फोन कर देते हैं, अपना नाम भी नहीं पता चलेगा. ओए, तूने अपना लाइसेंस रिन्यू करवाया? हाँ? मुंबई पुलिस हेल्पलाइन, क्या हुआ बोलो. हेलो, मेरा एक्सीडेंट हुआ है. किसका एक्सीडेंट हुआ है? हेलो. अरे भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरा. कैसे हुआ? कार से हुआ है. ठीक है, आप किधर हो? मैं कार में ही हूँ. एक्सीडेंट कार से हुआ है, लेकिन आप किधर हो? अरे मैं कार में हूँ. कार से एक्सीडेंट हुआ, कार से बोल रहे हो? कार आप चला रहे थे क्या? नहीं, मैं तो रास्ते से चल रहा था. रास्ते पे चल रहे थे, कार में हो, कार से एक्सीडेंट हुआ. अरे क्या बोल रहे हो? अच्छा कार का नंबर बताओ. हेलो हेलो, अरे बाबा कार का नंबर बताओ. हेलो, अरे भाई मेरे फोन की बैटरी डाउन हो रही है. पूरा दिन फोटो खींचोगे, वीडियो देखोगे तो ऐसे जो ना काम के टाइम पे. अच्छा लोकेशन बताओ. लोकेशन, एक्सीडेंट कहाँ हुआ ये बताओ. पता नहीं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा. अरे आपका एक्सीडेंट हुआ है, पर कौन सी जगह पे हुआ है? हिल रोड पे हुआ है. ओके, आप किधर हो? मैं कार में हूँ. हाँ ये तो बोला, कार में हूँ. कार कहाँ है? हेलो, कार गैराज में है. गैराज में? अरे बाबा टाइम क्यों खोटी कर रहा है, गैरेज कहाँ है? मालूम नहीं भाई, आप मेरी मदद करो प्लीज. अरे पहले पूरा इन्फॉर्मेशन तो दो. हेलो हेलो, बैटरी खत्म हो गई. प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मुझे जाने दो. Why are you doing this to me? मैं मर रहा हूँ, शायद अब देख नहीं पा रही, मैं मर रहा हूँ. तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है. Can't you damn it see? मेरे कारण? मुझे मुझे अब इस तरह किसी रास्ते में फेंक दो. मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, मैं पुलिस को भी कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे जाने दो. मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हारा? आप मुझ पे पूरा भरोसा कर सकती हैं. I can't believe you. आप बिल्कुल यकीन कर सकती हैं मुझ पे. मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. I can't believe you. आप प्लीज मुझे जाने दो,
मैं मर रहा हूँ। शायद आपको आपको एहसास नहीं हो रहा कि मैं मर रहा हूँ। जाने तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। मैं पुलिस से ए मलाड चल दे सिगरेट, हमेशा देर करता है साला। सिट। तुम? सिट। क्या हुआ बिप्स? सिट। जाओ किसी को बुला के लाओ। हाँ अंकल। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? Darling, who is it? Who's that? अरे यार, एक क्लाइंट है। कितना काम बाकी है? कौन? जल्दी आओ। किधर? किधर है? इधर। हाँ? इसके अंदर। यहाँ? ऊपर चढ़ेगी। इतना काम पड़ा है घर में। बहन मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से निकालिए। हाँ हाँ आवत है। जल्दी आइए। किसी को लाइक आवत है। हाँ। अच्छा चल जल्दी चला। कंट्रोल यार। कम ऑन। क्या कंट्रोल? कंट्रोल प्लीज। कंट्रोल यार। God! I told you she was a client. Wonder I or चार कोक की लाइनें करी, यही गिर गई। What do I do? यही गिर गई। कपड़े भी उतार लिए, बेड में भी घुस गई। Baby, I told you she was stone. उसको गर्मी लग रही थी, उसने अपने कपड़े उतार फेंके और यही लेट गई। Don't you know these dopers? भिखारी होते हैं साले। तुम सोचने में पागल हो? You think I'm bloody mad? Don't give me funda, okay? Four. सिग्नल इधर आता किधर है मेरी जान? देखो एक भी डंडा नहीं है। देखो। सिग्नल बिजी था कि तो उसके साथ बिजी था। कम ऑन यार, अच्छा बोलना। पहले तू ये बता इतनी परेशान क्यों है? हुआ क्या बता ना। दैट बास्टर्ड। हु? मैंने बताया था ना कल रात को, जिस आदमी को मैंने ठोका, मेरे कार के विंडस्क्रीन में फंसा हुआ है मेरे गैराज में। शिट। परसों मेरा वीजा कॉल, कॉप्स पुलिस को पता चल गया था, नेवर गेट माय मनी, उसको ना आप पे। कुछ नहीं होगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं सब संभाल लूंगा। ओके, जस्ट रिलैक्स बेबी, कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ खराब नहीं होगा।
मैं सब देख लूंगा. Everything will be alright. Okay? Trust me. Everything will be alright. Okay? चल अच्छा जल्दी ढूंढ तेरी किताब. हाँ ये रही. हाँ चल जल्दी पापा को फोन करते हैं. हेलो हेलो अज्जू के पापा. हाँ एक मिनट ये ले फोन. हाँ बोलो. यहाँ कुछ होएगा वहाँ है. का हुआ? म्युनिसिपैलिटी वाले फिर आ गए काऊ. हाँ नहीं वो बगल में बंगला है ना वो सफेद वाला. वो का उधर के वो गैरेज में एक आदमी पड़ा है खून से लथपथ गाड़ी में फंसा हुआ. तू कहे गई थी उधर? हम नहीं जी वो अपना अज्जू खेलने गया. हाँ। था वहाँ फिर हम काऊ वहाँ लेके गया. पागल है का तुम्हारा लौंडा? कहे गया उधर आने तो रात को ससुरा का तेल नहीं निकाले ना. हम सोचा थे पुलिस को फोन कर दे वो मरने वाला है लगता है. ए महारानी पहले अपना आदमी का फिकर कर. गोबर से उठाए के लाया था तो का शहर माँ अब तू फिर से हमार जिंदगी गोबर मत बनाए दे समझी ना. पुलिस का चक्कर से हमको दूर रखो. अपना घर तो वैसे ही फर्जी जमीन पे पड़ा है. पुलिस आएगी तो पहले हमको दफा करेगी उधर से. हाँ जी वो तो ठीक है पर वो बहुत पीड़ा में है जी. तो हम सोचे थे तनिक अस्पताल में बोल देवेंगे तो अच्छा रहेगा ना. ए महारानी एक बार में समझ में नहीं आवत है का? चुप मार के घर में बैठो. अजू को फोन दो. लई हेलो पापा. सुनो नंदलाल तुहार बैट को तुहार पिछवाड़े पे ऐसा मारूंगा कि वोका टुकड़े टुकड़े हो जाएगा. चुप मार के घर में बैठो और शाम से पहले हिलना मत उधर से समझे. चल रख फोन. तुम मेरी मदद करोगे ना? हाँ जान मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा. वो अभी तक गाड़ी में फंसा हुआ. कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा. मैं हूं. ओके रिलैक्स. 20, 30, 40, 50, 60. That's my place. Oh God. Yes. Give me money. अरे क्या करोगी इतना पैसा जमा करके? अमेरिका जाऊंगी. 40, 50, 60, 70. Yes. Okay. Your turn. Sid, जल्दी करो. चिल्ले यार. मुझ पे छोड़ दिया ना तो बस टेंशन मत ले. ऐसे बहुत सारे केसेस डील किए मैंने. रिलैक्स. I'm sure तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा. प्लीज हैव सम. एनीथिंग फॉर यू जान.
डैड, क्या हम जो भी इच्छा करते हैं हम वो चीज पा सकते हैं? आई डोंट नो बेटा. प्रॉमिस कीजिए डैड, आप मुझसे मिलने न्यूयॉर्क जरूर आएंगे. जिंदा है? वही तो मैंने कहा था. बुलशिट, तुमने कहा था कि ये गाड़ी में अटका हुआ है, मर गया है. गाड़ी में तो अटका था, यहाँ कैसे आया? I don't know. What do you mean by कैसे आया? ये जिंदा है तो निकल गया. Oh shit, he's moving. See? Hey, stop it. What are you doing? पागल हो गई हो क्या? Are you crazy? क्या करना चाहती हो तुम? हाँ? क्या कर रही हो तुम? इसलिए तो मैं तुझे यहाँ लाई थी, इसको निकालने लगाने. Come on, just relax. ये एक जिंदा आदमी है, चलता फिरता जिंदा इंसान. वही तो प्रॉब्लम है. इसने मुझे देख लिया, पहचान लिया. अगर किसी से कुछ बोल दिया तो it's over. I'm finished. It's gone. तो क्या करूँ मैं? क्या चाहती हो तुम? Kill him. मार डालो इसे. Hey, hello. Take it easy, हाँ? एक्सीडेंट तुमने किया और फिनिश मैं करूँ इसको? अच्छा, वैसे तो बड़े भाई बने घूमते हो. मेरे हाथ में गन चलती है. इसको उड़ा डाला, उसको उड़ा डाला. अब क्या हुआ? वो मेरा बिजनेस है, धंधा है, पैसे लेता हूँ मैं उनके. आई चार्ज अ लॉट ऑफ मनी. मुझसे पैसा लेगा? मुझसे पैसा लेगा? इट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माइन. मैं यहाँ पे आया तुम्हारी मदद करने और तुमने आज नो. क्या करूं मैं? ओह गॉड, व्हाट डू वी डू नाउ? क्या कर रही हो तुम? हाँ, किसको कॉल कर रही हो? हेलो, मेरा नाम है सोनम चोपड़ा. कल रात को मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया. मैंने एक आदमी को उड़ा दिया. मेरे साथ मेरा बॉयफ्रेंड भी था. उसका नाम सिद्धार्थ है. वो एक ड्रग डीलर है, चार लोगों का खून कर चुका है. जस्ट स्टॉप इट, पागल हो गई है क्या तू?
फट गई ना, फटी ना तेरी। अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया ना तो ये फोन सच्ची में कटा लूंगी। शट अप, एक तो एक्सीडेंट करती है, ऊपर से ब्लैकमेल भी कर रही है। ओह गॉड, इसको चुप तो करा। अब क्या? सोचने दो। सोचना क्या है? मार डालो, फिनिश इट। हे जस्ट कूल इट, किल हिम। हां, खिचड़ी खाने का है? हां, बियर की बोतल का ढक्कन खोलने का है क्या? पक्की और खुल गया। ये गार्बेज बैग के अंदर इंसान है जो जिंदा है। भूलना मत, इसने तुम्हें देखा है और पहचान लिया है। जिस जिस को इसने देखा है उसे मरना पड़ेगा, वरना जिसे इसने देखा है उसे मारना पड़ेगा। That's it. Hi. Oh my God, ये सब क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? क्या हुआ? सोनम का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कैसे? कैसे क्या? जब वो तुझे छोड़ के आ रही थी वहाँ से, तो जैसे ही उसने तुझे छोड़ा उसने राइट टर्न लिया, एक्सीडेंट हो गया। पर कब? तू ठीक है ना? वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। देखो बिल्कुल सही है, साला गाड़ी का गेम बच गया। लेकिन कौन था? कैसे हुआ? तू आ मेरे साथ। मैं? आ, मैं तुझे सब बताऊंगा, किसी को बोलना मत। हाँ, कम नहीं बोलूंगी, स्वेयर, पर बता ना। चल चल चल, मैं बताता हूँ। हेलो, बिल्डिंग गिर गई तो एक काम कर, तू वहाँ का मलबा खरीद ले। हाँ, हजार बार बोला कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट मत कर। हेलो, अरे तुझे नहीं यार, अरे सुन तू, रैम्बो रुक, अरे तुझे नहीं बोल रहा हूँ यार, तू सुन, एक काम कर तू, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। हाँ चल, एक पेटी इन्वेस्ट कर दे, चल। ज्यादा किसी को लगी तो नहीं ना? क्या हुआ? सोनम ड्राइव कर रही थी, अंधेरा था ही उधर, उसे कुछ ठीक से दिखा नहीं कि अचानक वो आ गया सामने। कौन? गाय। क्या? गाय का बछड़ा। क्या कहा? गाय के बछड़े को मार डाला? Are you serious? उड़ा डाला इसने, इसकी कोई गलती नहीं थी, वो सामने से आ गया तो ये क्या करे। तू पागल है क्या? तूने गाय के बछड़े को उड़ा दिया, तुझे पता है कितना अनलकी होता है ये। यू मीन टू से कि गाय के बछड़े को नहीं उड़ाना चाहिए था? अगर किसी आदमी को उड़ा देती थी तो चलता था? तुम लोग जानते नहीं हो गाय कितनी पवित्र प्योर होती है, तुझे ठीक से चलाना चाहिए था। अरे तो अब क्या करें, अब तो हो गया। मतलब क्या सोच रहे हो तुम लोग? सोचना क्या है, उसको ऐसे ही किधर भी डालेंगे तो पब्लिक का सेंटीमेंट हर्ट होएगा। तो हमने सोचा है कि उस बछड़े के छोटे 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 पीसेस करेंगे और दरिया में डाल देंगे, मछलियां थैंक यू बोलेंगी और इस काम में तू हमारी मदद करेगी। गाय के बच्चे को काटना? अरे जल्दी जल्दी करेंगे, छोटे छोटे पीसेस करेंगे, छोटे छोटे। अरे रुक, नो। अरे रुकना यार, अरे एक सेकंड रुकना यार, चीज पकौड़ा तू ऐसे कैसे छोड़ सकती है हमको? अरे वो भाविन है ना, वेट कर रहा है, हमें आइसक्रीम खाने जाना है। वो भाविन कहाँ वेट कर रहा है? वो बाहर नाके पर, आई थिंक वो स्मोक करता है। चीज पकौड़ा, दिस इज वेरी रॉन्ग। मैं तुझे फोन करती हूँ, आई विल कॉल यू लेटर। ओके, पर तुम लोग अपना ध्यान रखना। हाँ, गाय भाई को काटना बहुत, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ ना, कॉल यू लेटर। अरे कर दे 1 करोड़ इन्वेस्ट यार, देखना दिवाली के बाद सोना ऐसा बढ़ेगा कि। हाँ मैं करता हूँ अभी। अरे रेम्बो, अजय रेम्बो, अजय कम। Yeah.
लगा दूं? What the bloody hell is wrong with you? क्या कर रहे हो तुम? तुझे नहीं उसे। क्या हुआ? आवाज होगी, सबको सुनाई दे जाएगा। तो क्या करें? थोड़ी देर और रुकते हैं, रात होने दो, उसको निकालना भी आसान होगा। अभी इस वक्त कौन आ गया? Go, check. देखिए, this is not right. Excuse me? क्या हो रहा है? मतलब? आपके गैराज में क्या हो रहा है? क्या हुआ? हाँ? आपके गैराज में खून. क्या हो रहा है आपके गैराज में? खून, खून. मेरा रेम्बो आपके गैराज में घुसा था, पता है आपको? देखिए, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि अपने कुत्ते को संभाल के रखिए। गुस्सा क्यों होती हैं आप? चूहा? अरे चूहा भी आपके गैराज में और गुस्सा भी आप ही हो रही हैं। देखिए, एक बात बताऊं आपको, आप एक काम कीजिए, पेस्ट कंट्रोल करवा लीजिए। हाँ, कितनी बार तो आपको कह चुका हूं मैं ये बात, चूहा मर जाएगा, मेरा रेम्बो गैराज में नहीं घुसेगा। ठीक है ना? बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड का बाप। अरे नमस्ते अंकल। कोई परेशानी है? नहीं अंकल। चॉकलेट खाएंगे? थैंक यू। शरबत लाऊं? ना ना, निकल लो, चलता हूं। चल। सच में मारना चाहती है उसको? उसे मैं नहीं, तू मारेगा सिद। मैं? ओके ओके। लेकिन सिद, प्लान क्या है सिद? सिंपल है, सबसे पहले मैं इधर से अपनी गाड़ी में जाऊंगा, गाड़ी में जो पेट्रोल रखा हुआ है वो निकालूंगा, और उसके बाद मैं सीधा गैराज में एंट्री मारूंगा। फिर क्या? तीन गोली उसके भेजे में, और जो गोली से शोर होगा उसका। ओ माय बेबी, You are so smart. Okay. I'll use this pillow. पिलो के बीच में गन रख के फायर करूंगा, चार गोली सीधा उसके भेजे के अंदर, और पांच मिनट के अंदर अपन दोनों उसकी बॉडी को लेके आउट। Ah.
तेरे जैसे लोगों की वजह से मेरे जैसे लोगों की मोरालिटी डाउन होती है। Thank you.
so sorry, baby. क्यों मदद करूं तुम्हारी? मैं जीना चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। और मैं तो अब तुम लोगों से क्या मांग रहा था? मैं यही तो कह रहा था तुम लोगों से। मैं डर गई थी। किसी की जान बचाने में तुम्हें डर लगता है, लेकिन किसी बेकसूर को पीट पीट के कुचल कुचल के मार डालने में तुम लोगों का डर नहीं लगता? किस मिट्टी के बने हो तुम लोग? मैंने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया, अपनी बेटी तक पर नहीं। मैं तुम्हारी बेटी की तरह हूँ, तुम्हारी बेटी की तरह। No, I hate myself. तुम मेरी बेटी की तरह बिल्कुल नहीं हो, तुम उसकी तरह कभी हो भी नहीं सकती। पुलिस करेगी जो भी तुम्हारे साथ करना है।